उधर यूपी में राम राज्य है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया, उस दिन यूपी में कोई भी बड़ी वारदात नहीं हुई है। फैसले के दिन यूपी अपराध मुक्त रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। योगी के यूपी में राम राज्य का नजारा, अपराध मुक्त यूपी की ओर बढ़ा कदम। अयोध्या फैसले के दिन नहीं हुई वारदात, फैसले के दिन अपराध मुक्त रहा यूपी। योगी आदित्यनाथ के राज में कानून व्यवस्था मजबूत है। योगी जी ने ऐसी प्लानिंग की है जिससे यूपी अपराध मुक्त प्रदेश की ओर कदम बढ़ा रहा है। शनिवार को जब अयोध्या मामले में फैसला आया तो प्रदेश में रामराज्य जैसा नजारा देखने को मिला। सूबे में ये पहला मौका था जब पूरे प्रदेश में एक भी बड़ी वारदात नहीं हुई। अयोध्या पर फैसले वाले दिन यानी 9 नवंबर की घटनाओं के लिए जब जोन स्तर से डीजीपी मुख्यालय ने आंकड़े जुटाने शुरू किए तो हर जोन से गंभीर अपराध के सभी मामले 0-0 आने लगे। डीजीपी मुख्यालय को एक बार तो इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं हुआ और जिलों से चेक कराने के बाद दोबारा आंकड़े मांगे गए तो भी यही आंकड़ा आया। इससे सभी हैरत में थे। 9 नवंबर को यूपी में हत्या, लूट और अपहरण की कोई वारदात नहीं हुई। बलात्कार, डकैती जैसी एक भी घटना यूपी में नहीं हुई। पूरे 75 जिले में कोई भी वारदात की खबर सामने नहीं आई। इस तरह से फैसले के दिन यूपी पूरी तरह से अपराध मुक्त रहा। दरअसल अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार सक्रिय थे और पल पल की अपडेट ले रहे थे। इतना ही नहीं, फैसले के दिन सीएम योगी यूपी 112 के कंट्रोल रूम में पहुंच गए। कंट्रोल रूम में पहुंचकर खुद ही प्रदेश के हर जिले के डीएम, एसएसपी और एसपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत देने लगे। इसी का नतीजा था कि अयोध्या का जिस दिन फैसला आया उस दिन प्रदेश में एक भी घटना नहीं हुई। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि यूपी रामराज की ओर कदम बढ़ा रहा है, लेकिन विपक्ष को यहां भी सियासत सूझ रही है। पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम रही और कहीं भी किसी जैसा आप बता रहे हैं, कहीं भी किसी तरह किसी जिले में किसी तरह का अपराध रिपोर्ट नहीं हुआ। ये एक बहुत ही शुभ लक्षण है और जहां तक माननीय योगी जी की सरकार का सवाल है, लगातार जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर के और प्रदेश में शांति व्यवस्था को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिस विभाग के मुखिया और प्रशासन के जिलों के अधिकारी इस तरह से लगातार उसके प्रति सतर्कता बरते हुए उसकी समीक्षा कर रहे थे, वो अपने आप में अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का है, वो उसकी तरफ उत्तर प्रदेश तेजी के साथ अग्रसर होगा। जैसी दरिया और वैसी मौज, ये कहावत योगी सरकार पर सटीक बैठती है। जिस सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की हो और कहा हो कि उत्तर प्रदेश पर जंगल राज है, जिस प्रदेश में कर्मचारियों का पैसा लूटा जा रहा हो, अगर ये उपलब्धि है जिस पैसे को उत्तर प्रदेश पर दो होमगार्ड कर्मचारियों का पैसा खाया जा रहा हो, अगर ये उपलब्धि है तो इस सरकार को मुबारक। हालात उत्तर प्रदेश में ये हैं, चाहे वो डीजीपी महोदय हो, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो और मुख्यमंत्री जिससे हो। अब भले ही कांग्रेस नेता यहाँ भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन कंट्रोल रूम से आए ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। योगी जी ने कानून व्यवस्था को लेकर ऐसी प्लानिंग की है जिससे उत्तर प्रदेश में रामराज जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है, उसका पूरी तरीके से समुचित जमीनी स्तर पर उसका काम 9 तारीख को दिखा, जहां पर एक भी मुकदमा, एक भी लूट का मुकदमा या हत्या का छोटी सी भी किसी मुकदमा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं लिखा गया। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत कर राम राज्य की परिकल्पना देखी जा रही है, वो डीजीपी ओपी सिंह ने कहीं ना कहीं 9 तारीख को एक ऐतिहासिक रूप में करके भी दिखाया है। कैमरामैन सोम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।